नंदा, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ब्लीच के बारे में बताऊंगी। ब्लीच से क्या होता है, अपने फेस में जो बारीक रोए होते हैं, जो बाल होते हैं, वो कलर होके गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हमारा कलर साफ लगता है, मतलब हम ज़्यादा गोरे दिखते हैं। तो आज मैं आपको ब्लीच के बारे में डीप नॉलेज देने वाली हूँ। मार्केट में बहुत तरह के ब्लीच अवेलेबल है, जैसे देखिए ये है गोल्ड ब्लीच, ये है ऑक्सी ब्लीच, ये है डायमंड ब्लीच। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे लेमन का या हल्दी का, लेकिन सब इसमें मेन है अपनी क्वांटिटी मिक्स करना, एक्टिवेटर और क्रीम की क्वांटिटी, उसी के हिसाब से पूरा ब्लीच फेस पर लगाया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ब्लीच बनाने के लिए हमें इस तरह का प्लास्टिक का बाउल और स्पून चाहिए। देखिए ये क्रीम है, फेस नेक और बैक, जहाँ तक ओपन अपना ब्लाउज या सूट पहनते हैं, जितना ओपन एरिया हमको अगर उतना भी कवर करना है, तो करीब 2 स्पून अपने को क्रीम लगता है। ये देखिए 2 स्पून हमने क्रीम ले ली है। ये है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर हमें जो अपनी क्रीम की क्वांटिटी है उससे 1/4 हिस्सा लेना है, तब जब हम ऑक्सी ब्लीच कर रहे हैं। ऑक्सी ब्लीच में एक्टिवेटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर हम गोल्ड ब्लीच कर रहे हैं, अगर ये अगर हम यूज़ करते हैं, तो 1/4 नहीं लेंगे, फिर हम उसका 1/6 या 1/8 हिस्सा लेंगे क्रीम का। क्रीम में मैं 1/4 चम्मच एक्टिवेटर मिला रही हूँ। देखिए इस क्रीम में मैं ये 1/4 चम्मच एक्टिवेटर मिला रही हूँ। इसको बहुत अच्छी तरह से हमें मिलाना है। पहले हमें फेस पे ये बिफोर लगाना है, लगा के फेस पे या नेक पे या हाथ पे, जहां पे भी आप कर रहे हो, इस क्वांटिटी पे आपको क्रीम लेना है। ये इनके फेस पे हम पहले क्रीम लगा रहे हैं। वो पूरा एरिया जहां जहां हमें ब्लीच लगाना है, सब जगह हमें बिफोर क्रीम लगानी है। ब्लीच आप उंगली से भी लगा सकते हैं और स्पून से भी। सबसे पहले अपने को इस एरिया पे लगाना है ब्लीच। क्योंकि यहाँ के बाल ज्यादा होते हैं, बालों को कलर होने में टाइम भी ज्यादा लगता है, और ये एरिया अपना सबसे सेंसिटिव होता है, यहाँ पे अपने को सबसे लास्ट में लगाना है ब्लीच। थोड़ा सा शूटिंग माथे में जहाँ हम बाल है हमको बिल्कुल छोड़ना है, हमें बाल को बिल्कुल आगे नहीं देना है, आईब्रोज छोड़ना है और लिप्स भी छोड़ना है, आंखों के जो घेरे जिसमें बोलते हैं वो वहाँ तक एरिया भी छोड़ना है, मतलब आईब्रो, आंखें, होंठ और माथे के आसपास जो बाल दिख रहे हैं, तो पूरे एरिया को अपने को ब्लीच लगने नहीं देना है, नहीं तो वो कलर हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। हमें ब्लीच कानों पर भी लगाना है। ब्लीच आप मंथ में एक बार ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। और दूसरा, अगर आप फेशियल और ब्लीच एक साथ लेते हो, तो पहले आपको ब्लीच करना है फिर फेशियल लोगे। ठंड के महीने में बहुत लोगों को बहुत जलन होती है ब्लीच करने से, तो उस समय आप क्या करोगे, ऐसे बना के इस कटोरी पे थोड़ी देर छोड़ दोगे 2 मिनट तक, उसके बाद लगाओगे एक, और दूसरी बात एक्टिवेटर की क्वांटिटी आप कम कर दोगे, और फिर भी आपको कुछ प्रेशर आते हैं अगर फेस पे, तो आप बर्फ लगा सकते हैं। तो ब्लीच हमने लगा लिया है, अब इसको हम 15 से 20 मिनट रखेंगे। अगर बहुत फेयर कलर है तो 20 मिनट्स, और कम है थोड़ा कलर तो 15 मिनट। ये अपना 20 मिनट्स हो चुके हैं, अब इनको अपने को सादे पानी से पोंछ देना है। आफ्टर है सो ब्लीच क्रीम निकाल देने के बाद अपने को लगाया, देखिए क्या चमकता रूप निखर के आया है। अब इसमें अपने को आफ्टर लगा देना है।
फेस वॉश कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।